हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ब्लॉकबस्टर अपडेट होने वाली है। और बात करें अगर पहले अपडेट की, तो वो है यहाँ पे लिवरपूल से। अब देखा, अगर लिवरपूल के रिगार्डिंग अगर सबसे बड़ी जो इस समय दिक्कत है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनके सामने, वो आई थिंक विदाउट अ डाउट आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पता होगा, वो है यहाँ पे मोहम्मद सलाह का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ना, ये जो नेगोशिएशन वाला टर्म है, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रोवर्सी वाला टर्म का नाम ले रहा है। और डेफिनेटली लिवरपूल के फैंस के लिए जो पेशेंस है वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। और अगर न्यूट्रल फैंस की बात करें तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि एक्चुअली में अगर इस मोहम्मद सलाह लिवरपूल नहीं जाएगा तो वो कौन से नेक्स्ट क्लब में जा सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू रिपोर्ट है। डेफिनेटली ये रिपोर्ट मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट एक्चुअली में उस सोर्स की मैं अगर बात करूं तो उसकी बस इतना है कि यार देखो, लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग भी उसने 10-15 दिन पहले ही यहाँ पर इस चीज़ ब्रेक कर दी थी कि वही अपना 700 बैलन डी ओर है। और उसके बाद भी यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसके ये सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल माने जाते हैं। लेकिन स्टिल रिपोर्ट यहाँ पर अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं है। और रिपोर्ट एक्चुअली में ये है कि मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। साल 2025 तक का एक कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे जो सैलरी की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 400 to 450 यूरोस पर वीक की मिलने वाली है। मतलब काइंड ऑफ आप मान के साथ चलो कि केविन डिब्रॉइन के अराउंड यहाँ पर वो जो सैलरी है वो उसको मिलने वाली है। और ये चीज़ बहुत बड़ी है लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से भी और मोहम्मद सलाह के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो मैंने आपको एक दो डेली एपिसोड पहले बताया भी था कि यहाँ पर सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये भी है कि सलाह ने ये भी शर्त रखी कि आने वाले सालों में लिवरपूल एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम बनाएगी। अभी भी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर उनको लगातार रीइन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। और लिवरपूल के फैंस की हमेशा से कंप्लेन रहती है कि एक्चुअली में उनके ओनर्स यहाँ पर पैसा नहीं डालते, तो इसका मतलब पता चलता है कि यहाँ पर पैसा डलेगा। और उसके साथ ही अगर सलाह की बात करें तो आई थिंक सलाह ने जब देखो यार, जब प्लेयर ने खुद ही सामने आके कह दिया कि पैसा डेफिनेटली एक फैक्टर है, और अगर जितना क्लब आपकी सैलरी देता है वो दिखाता है कि एक्चुअली में क्लब आपको आपकी मेहनत के लिए कितना ज़्यादा वैल्यू करता है। और यहाँ पे इसी के साथ मोहम्मद सलाह अब हाईएस्ट अर्नर बन जाएंगे। और मे बी आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, और मे बी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बहुत जल्दी कवर करेगी। लेकिन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि क्या आपके हिसाब से एक्चुअली में मोहम्मद सलाह डिजर्व करता है नहीं करता इतनी सैलरी, येस और नो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल पोगबा के रिगार्डिंग, और बात करेंगे फिर हम यहाँ पर मैनचेस्टर के नेक्स्ट मैनेजर को लेकर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब सबसे पहले बात करें अगर पॉल पोगबा की, तो देखो यार पॉल पोगबा इस समय एक मतलब किसी भी यूरोपियन क्लब के साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर सकता है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी एक डेली एपिसोड में इस चीज़ को बता दिया था कि पॉल पोगबा ने यहाँ पर यही डिसाइड किया है कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो नेक्स्ट समर, यानी कि इस समर मतलब इस समर ट्रांसफर विंडो में ही लेगा और उससे पहले नहीं लेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार ये रिपोर्ट रिवील की गई है कि अब आप मान के चलो कि 90-95% वो यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। इसकी गारंटी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होती हुई दिख रही है। और इसके बाद अगर उसकी पॉसिबल डेस्टिनेशन की बात करें तो वो यहाँ पर तीन क्लब्स हैं, PSG, यूवेंटस और रियल मैड्रिड। और यहाँ पर PSG सबसे ज़्यादा आगे है। इसके पीछे अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो देखो, पहली चीज़ तो यह है कि रियल मैड्रिड अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रही, क्योंकि जिदैन नहीं है वहाँ पे, और डेफिनेटली उन्होंने कामाविंगा और वेलवर्डे उनके पास ऑलरेडी है जो कि रिप्लेस करेंगे उनकी ओल्ड गार्ड को। उसके बाद अगर हम बात करें यूवेंटस की, तो यूवेंटस की यार इतनी अभी फाइनेंशियल कंडीशन उनको अलाउ ही नहीं करती कि यहाँ पर पॉल पोगबा को वो साइन कर सके, और वो भी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक यहाँ पर एंड्रो रबियोट की बात करें, या फिर हम यहाँ पर एरन रामजी की बात करें, या फिर और दो तीन जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर वेज बिल से नहीं हटते। और जो तीसरी पॉइंट है वो यहाँ पर ये यह है कि PSG एक्चुअली में इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है, PSG के पास इतना पैसा है। अब ये मत पूछने लग जाना कि PSG एक्चुअली में इन सब चीज़ों से कैसे बच जाती है, वो भाई अलग अपना पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन PSG के पास भाई पैसा है, वो अफोर्ड कर सकती है सैलरी देना। लेकिन इसके रिगार्डिंग छोटा सा कॉन्स यार ये है कि PSG की हायरार्की को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जो स्टारडम वाला जो स्क्वाड है, ऑलरेडी ये जो ड्रेसिंग रूम है जिसमें इतनी बड़ी ईगोज है कि ऑलरेडी पोचेटिनो की फट रखी है, ऐसा ना हो कि पोगबा को यहाँ लाकर हम जो बैलेंस की जो बहुत पतली सी लाइन है ना, वो भी कहीं ना कहीं हम तोड़ दें और वो जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं जो एम्बापे, नेमार और मेस्सी के बीच जो इतनी हार्मनी अभी हमें बनती हुई दिख रही है, वो कहीं ना कहीं पोगबा के आने से वो बैलेंस बिगड़ ना जाए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि क्या जो इतना, मैं कहूँगा कि इतना सेंसिटिव और इतना वल्नरेबल ड्रेसिंग रूम है, इसमें पोगबा या फिर किसी और बड़े स्टार के आने की क्या यहाँ पर गुंजाइश है, या फिर क्या एक्चुअली में जगह है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या एक्चुअली में PSG के रिगार्डिंग या फिर इस थ्योरी के रिगार्डिंग आपका क्या कहना है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं मैनचेस्टर के नेक्स्ट मैनेजर को लेकर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है और
मतलब काफ़ी में आप में से काफ़ी लोगों ने एक्चुअली में इस चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो यार एक इटालियन रिपोर्ट के हिसाब से एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे इंटरनेशनले के मैनेजर सिमोन इंजागी को के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसको मे भी अपना नेक्स्ट परमानेंट मैनेजर बना सकते हैं। अब इसके पीछे के अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो ऑफकोर्स यार आप सिमोन इंजागी ने यहाँ पर एंटोनियो कोंटे के जाने के बाद एक्चुअली में इंटरनेशनले को उस लेवल का मतलब सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है बट डेफिनेटली यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाया है और उसको मेंटेन करा है। सीरिया के वो इस समय लीडर हैं या फिर आप टाइटल के लिए उनको फाइट कर रहे हैं और ये भी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो बिना लुकाकू और हकीमी के हैं। यहाँ पर दोनों उनके जो की प्लेयर जो कि पिछले साल स्कूडेटो जीतने में उनको मदद करी थी उन दोनों प्लेयर्स के बगैर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से टीम काम कर रही है। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वो टीम नहीं है जो कि इस वो क्लब नहीं है जो कि इसमें इंटरेस्टेड है। एक्चुअली एथलेटिको मैड्रिड भी वो क्लब है जो कि सिमोन इंजागी को साइन करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिमियोनी को वो यहाँ पर नेक्स्ट सीजन से पहले सैक कर सकते हैं, ऑफकोर्स इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर, बट ठीक है उस पर कब किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। लेकिन इसके रिगार्डिंग देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सिमोन इंजागी की टीम को एक्सक्लूसिवली नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली उस पोजीशन में नहीं हूँ एज ऑफ नाउ कि मैं उस पर कमेंट कर सकूँ कि क्या वो यूनाइटेड के टीम को सूट करेगा नहीं करेगा। लेकिन डू लेट मी नो कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं अगर उन्होंने इंजागी की टीम को देखा है तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एक्चुअली में किस प्रोफाइल का वो मैनेजर है और किस तरीके से उसकी टीम यहाँ पर एक लाइन में बता सकते हो और क्या वो एक्चुअली में यूनाइटेड को सूट करेगा या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ जब हमने बात करी ली है मैनचेस्टर के नेक्स्ट मैनेजर की तो डेफिनेटली बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की किसकी हाइप ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो हैं यार, एरिक टेन हैग और दूसरा है मॉरिशियो पोचेटिनो। एंड हेट टू एडमिट इट कि इट इज़ मॉरिशियो पोचेटिनो जिसके लिए एक्चुअली में यूनाइटेड का बोर्ड पागल है भाई, मुझे नहीं पता और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 4-5 साल से पागल है पोचेटिनो के लिए कि भाई कैसे ना कैसे पोचेटिनो को मैनचेस्टर का मैनेजर बनाया जाए। और भाई यही है, पता नहीं इनको क्या ऑर्गेजम या क्या फैटिश है इनको इसको लेके, बट रियलिटी यही है कि एक्चुअली में पोचेटिनो फेवरेट बना हुआ है बैटिंग ऑर्डर में भी और रिपोर्ट्स के हिसाब से भी यूनाइटेड का नेक्स्ट मैनेजर बन गया। डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग आपका क्या रिएक्शन है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं किलियन एम्बापे की। अब देखो यार एम्बापे के रिगार्डिंग का ट्रांसफर स्टोरी जो कहानी है ना ये एक्चुअली में इतनी हाइपेड होती नहीं है और इतना डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न है। कंपेरेटिवली मैं बात करूँ अगर हरान की बात करें या फिर उस्मान डेम्बेले की बात करें, इसके पीछे दो रीज़न है कि एक्चुअली में सबसे पहले तो कोई और क्लब है नहीं जो कि एम्बापे के लिए जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि एक्चुअली में इट्स रियल मैड्रिड। और दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं सबको केलन एम्बापे के पर्सनल एम्बिशन भी सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड में लाए करते हैं अगर वो कभी पीएसजी से निकलेगा तो। लेकिन इसी के रिगार्डिंग पिछले 3-4 दिन से एक्चुअली में जो थोड़ी थोड़ी चिंगारी एक्चुअली में आ रही थी कि यहाँ पर पीएसजी एक अलग तरीका ढूंढ रही है, कुछ अलग करके लाएगी, कुछ मतलब टोपी में से जादू कोई खरगोश निकाल देगी, कोई जादुई दिखा देगी कि किस तरीके से वो यहाँ पे एम्बापे को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अब फाइनली यार यहाँ पर एक फ्रेंच रिपोर्टर जूलियन मेवार्ड ने यहाँ पर इस चीज़ को अपनी फ्रेंच एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अब इस चीज़ को ब्रेक किया है कि यहाँ पर पीएसजी और एम्बापे अब यहाँ पर नेगोशिएशन स्टार्ट करें इन व्हाट दे कॉल कि पीएसजी ने एक नायाब तरीका निकाला है एम्बापे को कन्विंस करने के लिए और वो है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो कि आराम से 2 या 3 मैक्सिमम 3 साल का वो एम्बापे को एक तरीके से ऑफर करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली मैं आपको जो रिएक्शन है कि किस तरीके से यहाँ पर इस रिपोर्ट ने क्या हल्ला काटा है, क्या एक्चुअली में रियल मैड्रिड को डराया है, उस पर तो मैं बात करेंगे करेंगे। लेकिन एक्चुअली मैं आपके क्यूरियस होगा कि भाई क्यों, मतलब 2-3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या मतलब बनता है और क्यों भाई इस तरीके से, क्या इस तरीके किस तरीके से एम्बापे को कन्विंस कर सकता है। तो देखो सबसे पहले अगर पीएसजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको पता ही होगा पीएसजी ने 200 मिलियन का ऑफर यहाँ पर रिजेक्ट किया था फ्रॉम रियल मैड्रिड और ये बताता है कि यहाँ पर उन्होंने 6 महीने को ज़्यादा वैल्यू दी 200 मिलियन के कंपैरिजन में। और उसके बाद जनवरी में तो देखो आपको पता है कि इनका चैंपियन लीग का टाई हो गया तो यहाँ पर ऑलरेडी उनको 6 महीने का और मिल गया और ऐसे में पीएससी की हायरार्की ये मानती है कि 3 साल के अंडर वो अगर ये हो जाता है हाइपोथेटिकली अगर ये हो जाता है तो 3 साल के लिए इसको भाई मिट्टी में मिला दो, इसको बहुत दिमाग ख़राब कर दिया इस रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे वाली स्टोरी में अकॉर्डिंग टू पीएससी। और दूसरा पॉइंट पीएससी के पर्सपेक्टिव से ये है कि यहाँ पर वो इन 3 सालों में एक्चुअली में वो उसको कन्विंस करवा सकते हैं एम्बापे को कि भाई तेरा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट जो तेरे को चाहिए वो यहाँ पर है और तेरा जो चैंपियंस जो तेरे को टीम चाहिए थी वो तेरे अराउंड हमने बना दिया। इसके रिगार्डिंग छोटा सा मेरा काउंटर है कि ये सब तो आप कर दोगे बट एक्चुअली में जो रियल मैड्रिड का ड्रीम है उसका कि वो रियल मैड्रिड की जर्सी के लिए खेलना चाहता है उसको कैसे काउंटर करोगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं रियलिटी चेक की या फिर मोर सो के रिएक्शन चेक की हम बात करेंगे कि क्या उतना हल्ला बना है या उतना हल्ला कटा है यहाँ पर रियल मैड्रिड की हायरार्की में पर्टिकुलरली फ्योरेंटिनो पेरेस की जितना पीएसजी एक्सपेक्ट कर रहा है।
तो इसका आंसर है नहीं। रिपोर्ट्स यार ये बता रही कि एक्चुअली में रियल मैड्रिड इस समय बहुत काम और बहुत कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे एम्बापे मैड्रिड के लिए ही साइन करेगा, और ये सब कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीएसजी की पीआर एक्टिविटी है कि वो यहाँ पर मीडिया में ये चीज़ कवर करवाना चाहते हैं कि एम्बापे अब पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। वो मानते हैं कि यहाँ पर एम्बापे अपने शब्द अपने वर्ड को जो उसने एक्चुअली में जो वादा किया है वो भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स है वो उसको यहाँ पर टर्न उस पर अपनी पीठ नहीं वो टर्न नहीं करेगा, और यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे एम्बापे रियल मैड्रिड की साइन करेगा। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर दूँ कि फाइनल डिसीजन जो कि एम्बापे के लिए है, और उसके बीच अभी भी यहाँ पर चैंपियन लीग का मैच होना बाकी है बिटवीन रियल मैड्रिड और पीएसजी, तो डेफिनेटली चीज़ बताता है कि इट्स फार फ्रॉम ओवर, इसमें अभी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। लेकिन डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या एक्चुअली में ये जो पीएसजी का नायाब तरीका है ये शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन वाला क्या ये काम करेगा या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। अब देखो यार एल क्लासिको को एड्रेस करते हुए मैंने जावी के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया था कि आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इंप्रेस कि किस तरीके से वो अभी से ही बार्सिलोना में एक मेरिट कल्चर यहाँ पर इन्फ्यूज करना रहा कि अगर आप ट्रेनिंग में आप परफॉर्म करोगे, अगर आप फील्ड पे परफॉर्म करोगे तो आप डेफिनेटली स्टार्टिंग 11 में। और इसका सबसे बड़ा सबसे प्राइम एग्जांपल और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोई और नहीं बल्कि लूक डियोंग है। और ऐसे में आज की रिपोर्ट्स एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग है कि यहाँ पर लूक डियोंग को अब कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली जावी की बात करें या फिर जनरली बार्सिलोना ने ट्रांसफर लिस्ट से हटा दिया है और उसकी जगह यहाँ पर मेम्फिस डिपाय को रख दिया है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला तो अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो लूक डियोंग एक्चुअली में यहाँ पर काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है इस बार्सिलोना की टीम में। यस, काफ़ी लोग इस चीज़ को काउंटर करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर 3 मैचेस में 3 गोल ये बताता है कि उसने पॉइंट जितवाए हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जावी के हिसाब से या फिर रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में जावी ये मानता है कि डिपाय से ज़्यादा लूक डियोंग उसके सिस्टम को ज़्यादा सूट करता है, ना कि डिपाय। अब डिपाय के रिगार्डिंग देखो ये हमेशा से काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टैंड रहा है न्यूट्रल फैंस का। मैं बात करूँ बार्सा के फैंस की बात करूँ कि भाई ये फ्लॉप है कि ये सक्सेस है, कि इस पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बार्सिलोना एक्चुअली में डिपाय को सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लूक डियोंग को सीज़न एंड तक ज़रूर रखा जाए। लेकिन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके हिसाब से एक्चुअली में डिपाय यहाँ पर को डिपाय पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए बार्सिलोना को, और क्या यहाँ पर लूक डियोंग एक्चुअली में किसी तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकता है बार्सिलोना को टॉप 4 फिनिश करने में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।